मिंत्रा, मीशो, सव्यसाची। दोनों साड़ी में कोई फर्क नहीं है यार, मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ 900 रुपए की है और ये 4000, मतलब 3999। ओ माय गॉड। हेलो, नमस्ते। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं इन दो साड़ियों को, जबकि डिजाइन में दोनों सेम है। ये है मीशो से और ये है मिंत्रा से। और अच्छी बात ये है कि ये तो दीपिका पादुकोण ने भी पहनी है सेम डिजाइन की साड़ी, तो हम सबको तो पसंद ही है कि सेलिब्रिटीज पहन रहे हैं, तो हम भी उसको पहनना ही चाहते हैं। तो देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले मिंत्रा को ही खोल लेते हैं। एक्चुअली मैंने सिर्फ इसको इतना ही खोला है, अंदर से खोल के देखा नहीं है। तो देखते हैं, इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है और ये मुझे 4-5 दिन में ही डिलीवर भी हो गई थी। ये रही ये साड़ी। ये देखो, और एक्चुअली ये साड़ी इतनी डिमांड में है, मैं मरून कलर का ऑर्डर करना चाहती थी लेकिन मुझे यही कलर मिला क्योंकि सब आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। मैं आपको दिखाती हूँ, और ये है मिंत्रा की आउट ऑफ स्टॉक 3999। ये देखो आप, तो इसको हम खोलते हैं। इसका बॉर्डर कुछ इस तरीके से है और ये है निर्जा ब्रांड है इसका। इसको मैं पूरा खोलती हूँ। तो इसके अंदर ये साड़ी का पीस भी है, सॉरी इसके अंदर ये ब्लाउज का पीस भी है। और ये पूरे साड़ी में ऐसा है। और ये कुछ इस तरह से है। अब हम ओपन करेंगे मीशो की साड़ी को। इसके साथ कुछ नोट है। इसका बॉर्डर भी ऐसा ही है जैसा मीशो में है। इसको पूरा खोलती हूँ मैं। और इसमें भी ब्लाउज का पीस मिला हुआ है, जबकि ये ब्लाउज का पीस बिल्कुल प्लेन है। अगर आप ये देखोगे ना, ये बिल्कुल प्लेन है ऐसा, और ये ब्लाउज के पीस में बॉर्डर के साथ है। और सेकंड डिफरेंस है कि ये साड़ी किसी टैग के साथ नहीं आई है, जबकि इस साड़ी में टैग है। ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, साड़ी फैब्रिक सेम है, ट्रेंड ये सब सेम है, ठीक है, नॉर्मल हैंड वॉश है। मीशो की अगर हम बात करें ये देखो, ये है सॉफ्ट सिल्क। तो देखिए, हो गई ना पैसे की बचत, सेव कर ली हमने पैसे, कितने सारे पैसे वो भी। तो दिस और दिस मटेरियल सब कुछ सेम है, 4900। तो आप जरूर बताइएगा कि आपको साड़ी कौन सी वाली अच्छी लगी, और अगर आप खरीदोगे तो कौन सी, और खरीदोगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आपको इस तरीके के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।